जयशंकर प्रसाद जी का एक अत्यंत प्रसिद्ध नाटक है ध्रुव स्वामिनी। आज हम ध्रुव स्वामिनी के प्रतिपाद्य का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रतिपाद्य का अर्थ क्या होता है। यह शब्द जो प्रतिपाद्य है, इसका अर्थ होता है प्रतिपादित करना, जो प्रतिपादन योग्य हो, जो दिया जाने योग्य हो। इनडायरेक्टली हम कह सकते हैं उद्देश्य, मतलब जिन अवधारणाओं का या जिन विषयों का, जिन विचारधाराओं को वो इस नाटक के माध्यम से स्थापित करना चाहते हैं, इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, या फिर जिनको इंटरप्रेट करना चाहते हैं, जिनकी व्याख्या करना चाहते हैं, उसे कहा जाता है प्रतिपाद्य विषय। तो ध्रुव स्वामिनी का प्रतिपाद्य या फिर ध्रुव स्वामिनी को लिखने का उद्देश्य क्या है, इसका हम आज यहाँ पर अध्ययन करेंगे। एग्जैक्ट वर्ड साहित्य में होता है प्रतिपाद्य। सबसे पहले हम देखेंगे प्रस्तावना, इसके बाद देखेंगे हम नारी जागरण की चेतना। इसका जो मुख्य प्रतिपाद्य है, जो मुख्य विषय है, जो मुख्य उद्देश्य है, वह है नारी जागरण की चेतना को स्थापित करना। दूसरा है अयोग्य और भ्रष्ट शासक से मुक्ति, और तीसरा है यथार्थ परक जीवन दृष्टि, और अंत में देखेंगे निष्कर्ष। तो यह प्रश्न प्राय परीक्षा में पूछा जाता है कि ध्रुव स्वामिनी, जयशंकर प्रसाद के का जो ध्रुव स्वामिनी नाटक है, उसका प्रतिपाद्य क्या है। तो उसका उत्तर आपको इन बिंदुओं के आधार पर लिखना है। नमस्कार, मैं भूपेंद्र पांडे हिंदी चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मेरे प्रत्येक वीडियो के अपडेट्स आपको मिलते रहें। साथ ही मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखकर जरूर बताएं कि मेरा आज का यह प्रयास आपको कैसा लगा। तो चलिए ज्यादा वक्त न लेते हुए हम शुरू करते हैं। तो इंट्रोडक्शन प्रायः सभी में एक ही जैसा आपको लिखना है, क्योंकि उसमें कुछ ज्यादा चेंज करने का कुछ है नहीं। बहुमुखी प्रतिभा संपन्न श्री जयशंकर प्रसाद हिंदी के सर्वश्रेष्ठ नाटककार माने जाते हैं। ध्रुव स्वामिनी जो 1933 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी, उनकी बहुचर्चित नाट्य कृति है, बहुत ही फेमस है, जिसकी कथा वस्तु गुप्त वंश के यशस्वी सम्राट समुद्रगुप्त के पुत्र चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के काल से संबंधित है। समुद्रगुप्त नाम के बहुत महान शासक हुए हैं, जिन्हें भारतीय नेपोलियन कहा जाता है। उनके दो पुत्र थे, रामगुप्त और चंद्रगुप्त। यह कथा चंद्रगुप्त द्वितीय अर्थात विक्रमादित्य के काल से संबंधित है। नाटक की भूमिका में प्रसाद जी ने इसकी ऐतिहासिकता के प्रमाण दिए हैं। भूमिका में नाटक प्रसाद जी ने बताया है, यह जो नाटक है यह ऐतिहासिक नाटक है और इसकी ऐतिहासिकता क्या है, इसका प्रमाण भी दिया है। उनके अनुसार विशाख दत्त द्वारा रचित संस्कृत नाटक देवी चंद्रगुप्तम में यह घटना अंकित है, जिसमें ध्रुव स्वामिनी का पुनर्विवाह चंद्रगुप्त के साथ हुआ बताया गया है। एक बहुत ही संस्कृत के महान विद्वान हुए हैं विशाख दत्त, उनकी जो रचना है वह है देवी चंद्रगुप्तम। उन्होंने इस घटना का उल्लेख किया है कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने ध्रुव स्वामिनी के साथ विवाह किया था, अर्थात ध्रुव स्वामिनी का पुनर्विवाह हुआ था, रीमैरिज। एक बार जब महिला शादी करके तलाक दे देती है, फिर दूसरे पुरुष से शादी करती है, या फिर महिला या पुरुष, उसे कहा जाता है रीमैरिज, पुनर्विवाह। तो यह घटना ऐतिहासिक है। कुल मिलाकर इतिहास को अपने नाटकों का विषय बनाने के पीछे प्रसाद का उद्देश्य इतिहास की घटनाओं को दोहराना नहीं था। वो इतिहास की घटनाओं को हम दोहराना नहीं चाहते थे, बल्कि क्या उद्देश्य था, इतिहास को वे वर्तमान के लिए आदर्श संगठित करने के लिए अत्यंत लाभदायक मानते थे। मतलब अतीत की पृष्ठभूमि से घटनाओं को उठाकर वे वर्तमान जीवन की प्रासंगिकता के साथ जोड़ते थे कि अतीत की घटनाएं या हमारा जो गौरवशाली जो अतीत है, जो हमारा गौरवशाली भूतकाल है, अतीत है, वह हमारे वर्तमान के लिए कितना प्रासंगिक है और उससे हम क्या सीख ले सकते हैं, उससे किन आदर्शों को हम ग्रहण कर सकते हैं। वर्तमान के निर्माण में इतिहास की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। मतलब आज जो हमारा वर्तमान है, उसमें हम वर्तमान को बनाने में, वर्तमान के निर्माण में इतिहास की जो भूमिका होती है बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। अतः वर्तमान की समस्याओं के लिए समाधान खोजने में इतिहास का अध्ययन और अन्वेषण बड़ा उपयोगी सिद्ध होता है। मतलब यदि आज की जिंदगी में हमारे सामने कोई समस्या आती है और हम उसका समाधान चाहते हैं, तो हम देखेंगे कि हमारे जो पुराण है या फिर जो हमारा इतिहास है, उसमें से हमें कुछ न कुछ समाधान अवश्य मिल जाता है, हमारे इतिहास से, हमारे पुराणों से। प्रश्न यह उठता है कि इतिहास सम्मत प्रमाणों और तर्कों के आधार पर कथा वस्तु के विकास द्वारा लेखक क्या संदेश देना चाहता है, मतलब संदेश क्या कहना चाहता है इस ऐतिहासिक घटना के माध्यम से। ध्रुव स्वामिनी के माध्यम से वह आधुनिक जीवन के किन सार्थक प्रसंगों को उद्घाटित करना चाहता है। आधुनिक जीवन में ध्रुव स्वामिनी से उसने प्रसंग ग्रहण किया और उसके माध्यम से वह हमारा जो आधुनिक जीवन है, जो हमारा समकालीन जीवन है, उसमें किन सार्थक संदर्भों को उठाना चाहता है, किन बातों को बताना चाह रहा है। अर्थात वह अतीत से वर्तमान को
क्यों जोड़ना चाहता है, उनकी हमारे वर्तमान जीवन में क्या प्रासंगिकता है। आगे हम इन्हीं पहलुओं का, इन्हीं प्रश्नों के विभिन्न पहलुओं पर विचार करेंगे, मतलब इस ऐतिहासिक घटना का हमारे जो वर्तमान की जो जिंदगी है, जो समकालीन जीवन है, अभी जो हमारा आधुनिक समाज है, उसमें उस नाटक की, उस घटना की क्या भूमिका है, या इन सभी प्रश्नों पर हम विचार करेंगे। यही इसका प्रतिपाद्य है, यही इसका उद्देश्य है, पर्पस है, यही यही वो बातें हैं जिन्हें जो राइटर है वो एस्टेब्लिश करना चाहता है। पहला है नारी जागरण की चेतना, नारी जागरण की चेतना को वो स्थापित करना चाह रहे हैं। भारतीय राष्ट्रीय स्वाधीनता संग्राम के साथ जनमानस में व्याप्त नव जागरण की चेतना की अभिव्यक्ति को प्रसाद ने अपने अन्य नाटकों की भांति इस नाटक में भी वाड़ी दी है। मतलब जब भारत का स्वाधीनता संग्राम चल रहा था, सन 1933 में भारत परतंत्र था और भारत को आजाद करने के लिए बहुत सारे आंदोलन चलाए जा रहे थे, और उन आंदोलनों में जब सबसे प्रमुख था वह था नव जागरण। नव जागरण मतलब स्त्री जाति का जागरण, समाज सुधार, ये सब बहुत सारे आंदोलन चल रहे थे। ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, सती प्रथा का अंत, इस टाइप की घटनाएं हो रही थी उस समय। तो इन्हीं सब बातों को अपने नाटकों में वाड़ी दी है। राजनीतिक स्वतंत्रता के साथ साथ मानवीय स्वतंत्रता की मांग प्रसाद युग का प्रबल स्वर था। उनके समय में क्या कहा जा रहा था, खाली हम हमारे देश को आजाद नहीं कराना है, बल्कि प्रत्येक मानव जो दलित है, जो शोषित है, जो शोषण का शिकार है, जैसे महिलाएं हैं, इनको शोषण से मुक्ति मिलना चाहिए, उनको आजादी मिलनी चाहिए, स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। हर तरह के रूढ़िवाद से मुक्ति की भावना और मनुष्य होने के नाते व्यक्ति के सम्मान की भावना को यहाँ प्रस्तुत किया है। जितनी जितने भी प्रकार की पारंपरिक रूढ़ियां थी, सामंतवाद था, है ना, उन सबको दूर करके व्यक्ति के सम्मान, व्यक्ति के प्रतिष्ठा की स्थापना करना मुख्य उद्देश्य था। युग की हर चेतना प्रसाद के साहित्य में अपनी पूरी गति और लय के साथ स्पंदित हुई है। मतलब उस युग की जो भी चेतना थी, जो भी मनोभाव थे, जो भी आंदोलन थे, जो भी लोगों के विचार थे, जो भी दृष्टिकोण था, वह इनके साहित्य में पूरी तरह लय के साथ स्पंदित हुई है, परिलक्षित हुई है। नारी मुक्ति के प्रश्न को वे अपने नाटकों में आरंभ से ही किसी न किसी रूप में उठाते रहे। तो नारी मुक्ति का प्रश्न हमेशा उनके हर उसमें रहता है ना, तो यह किसी न किसी रूप में उसको उठाते रहे। नारी जीवन को उन्होंने विभिन्न कोणों से जानने का प्रयास किया था। मतलब महिलाओं के प्रति उनके मन में अगाध सम्मान था, और स्त्रियों के संबंध में नवीन विचारों को प्रकट करते रहने के अतिरिक्त प्रसाद मानवतावादी दृष्टि को भी अपने सभी नाटकों में स्थान स्थान पर समाहित करते रहे। मतलब प्रसाद जी का जो दृष्टिकोण है वह मानवतावादी है। मानवतावादी मतलब सभी मानव स्वस्थ हो, सुखी हो, संपन्न जीवन जिए, कोई किसी की प्रताड़ना का शिकार ना रहे, शिकार ना हो, और महिलाओं की भी स्थिति समाज में अच्छी हो। तो उनका दृष्टिकोण मानवतावादी था कि मानव वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना होती है, वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना होती है, वो सभी अपने नाटकों में स्थापित करना चाहते थे, महिलाओं की दशा को सुधारना चाहते थे। यह सबसे महत्वपूर्ण है, ये पंक्ति आपको लिखना ढंग से बोल्ड करके। ध्रुव स्वामिनी में उन्होंने नारी के सामाजिक शोषण के प्रश्न को केंद्रीय संवेदना के रूप में रखा है। इसकी मूल संवेदना या फिर केंद्रीय संवेदना क्या है, नारी का सामाजिक शोषण, समय की इस कठोरतम समस्या को उठाना और इसका समाधान खोजना ही ध्रुव स्वामिनी नाटक का मुख्य प्रतिपाद्य है। देखिए इसका मुख्य पर्पस, मुख्य उद्देश्य क्या है, समय की इस कठोरतम समस्या को उठाना और इसका समाधान खोजना, इस समस्या को उठाना और इसका समाधान कैसे होगा, नारी का शोषण का अंत कैसे होगा, यही इसका मुख्य प्रतिपाद्य है। स्त्री के सम्मान और अधिकारों की मांग, स्त्री के सम्मान और अधिकारों की मांग यहाँ विविध पात्रों द्वारा बड़े स्पष्ट शब्दों में व्यक्त की गई है। तो आपने वहां पर शायद एक पंक्तियां पढ़ी, वो पंक्तियां पढ़ी होंगी, कामायनी की पंक्तियां हैं, नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नगपत तल में, नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नगपत तल में, पीयूष स्रोत सी भा करो जीवन के सुंदर समतल में। तो इसी प्रकार की जो भावना है, स्त्री के सम्मान और अधिकारों की मांग यहाँ विविध पात्रों द्वारा बड़े स्पष्ट शब्दों में की गई है। ध्रुव स्वामी युगों से पुरुषों द्वारा स्त्रियों पर हो रहे अत्याचार का खुलकर विरोध करती है। उसके निम्नांकित कथन इसका प्रमाण है। तो युगों से पुरुषों के द्वारा स्त्रियों पर जो अत्याचार किया जा रहा है, ध्रुव स्वामी उसका विरोध करती है। एक क्रांतिकारी चेतना की वह प्रतीक है। वह कहती है, ये आपको इस प्रकार की पंक्तियां आपको कोट करना जरूरी है परीक्षा में, तभी आपको अच्छे अंक मिलेंगे। पुरुषों ने स्त्रियों को अपनी पशु संपत्ति समझकर उन पर अत्याचार करने का अभ्यास बना लिया है, वह मुझ पर नहीं चल सकता। तो पुरुषों ने स्त्रियों को अपनी पशु संपत्ति समझकर अत्याचार करने का अभ्यास बना लिया है, वह मुझ पर नहीं चल सकता। पशु के समान मतलब उनके साथ अत्याचार करना, उनको मारना पीटना, उनको बेच देना,
है ना, पशु की तरह व्यवहार करना। वो बोलती है यह मुझ पर नहीं चल सकता, तुम मुझे किसी पशु की तरह व्यवहार नहीं कर सकते। और क्या क्या बोलती है, अलग अलग डायलॉग्स हैं उसके, ध्रुव स्वामी के। पराधीनता की एक परंपरा सी उनकी नस नस में, उनकी चेतना में न जाने किस युग से घुस गई है, उन्हें समझ कर भी भूल करनी पड़ती है। वो महिलाओं को बोल रही है कि तुमने पराधीनता को इतनी तरीके से स्वीकार कर लिया है, इस तरह से स्वीकार कर लिया है कि अब तुम कभी सोचती भी नहीं कि तुम्हें स्वतंत्र होना है। इसको तुमने पूरी तरह से आत्मसात कर लिया है, जीवन में शामिल कर लिया है। इतना बड़ा उपहास, धर्म के नाम पर स्त्री की आज्ञाकारिता की यह पैशाचिक परीक्षा मुझसे बलपूर्वक ली गई। मतलब जो रामगुप्त है उसे जबरदस्ती शादी कर लेता है बिना उसकी इच्छा के, तो और यह उसके साथ जब शादी कर लेती है धार्मिक रीति रिवाज के आधार पर, तो क्या है, वह बंधनों में बन जाती है। तो धर्म के नाम पर विवाह का जो बंधन है उसको वह तोड़कर बाहर आना चाहती है। इसके बाद पुरुषों की प्रभुता का जाल मुझे अपने निर्दिष्ट पर ले आया। पुरुषों की प्रभुता का जाल मतलब जितने भी धर्म ग्रंथ वगैरह उस समय लिखे गए हैं, जो विवाह पद्धति के लिए जो विभिन्न प्रकार के नियम कानून बनाए गए धार्मिक आधार पर, तो वह क्या है, वह उससे छूटना चाहती है। ध्रुव स्वामिनी के कथनों के उपर्युक्त अंश लेखक के दृष्टिकोण के कई पक्ष हमारे सामने रखते हैं। तो उपर्युक्त जो डायलॉग्स है उसके माध्यम से लेखक क्या कहना चाहता है। सबसे पहले कथन में ध्रुव स्वामिनी स्त्रियों को बराबरी, पुरुषों की बराबरी का दर्जा न मिलने की स्थिति का विरोध करती है। मतलब बोलती है कि तुम हमको पशु के समान समझते हो और स्त्री और पुरुष में इतनी असमानता उसे बर्दाश्त नहीं है। पुरुष सुख सुविधा के लिए स्त्रियों से जो मनमाना व्यवहार करता है और उसे निर्जीव वस्तुओं या बेबस पशुओं की तरह अपने उपभोग की वस्तु मानता है। मतलब पुराने समय से ही जो स्त्रियों के प्रति जो पुरुषों का व्यवहार रहा है वह पशु की तरह व्यवहार रहा है, उसे निर्जीव वस्तुओं अथवा पशुओं की तरह उसके साथ व्यवहार किया जाता है, उसे मारा पीटा जाता है, उसे बेच दिया जाता है और भी विभिन्न प्रकार से प्रताड़ित किया जाता है। इसका वह विरोध करती है ध्रुव स्वामी। उसे सहन करने का ध्रुव स्वामी तैयार नहीं है। इस तरह वह पुरुषों की भोगवादी प्रवृत्ति का विरोध करती है। पुरुषों की मानसिकता सिर्फ यही रही है कि जो स्त्री है वह केवल भोग और विलास का ही साधन है, उसकी जीवन में और कोई उपयोगिता नहीं है। इसका वह विरोध करती है। दूसरे कथन में वह उस मनोभूमि की चर्चा करती है जिसके कारण स्त्रियां अपने आप को पुरुषों के समकक्ष समझने का साहस ही नहीं कर पाती। दूसरे कथन में वह महिलाओं की उस मेंटलिटी के बारे में बताती है, उस मनोवृत्ति के बारे में बताती है, उस टेंडेंसी के बारे में बताती है कि वे कभी भी अपने आप को पुरुषों के समान नहीं समझती, पुरुषों के समान समझने का साहस भी नहीं कर सकती। इतने लंबे समय से पुरुषों को उनसे श्रेष्ठ सिद्ध किया जाता रहा है कि अब यह बराबरी की किसी मांग को पेश करने की जरूरत भी नहीं समझ पाती। मतलब महिलाओं को लंबे समय से, प्राचीन समय से ही इतना प्रताड़ित किया जा रहा है और इतना उनका दमन और शोषण किया जा रहा है कि अब तो उनके मन में कभी यह भावना भी नहीं पैदा होती कि उन्हें स्वतंत्र होना है या फिर उनकी बराबरी के दर्जा दिए जाने का मांग करना है। उनकी चेतना में यह बस गई है कि हम पुरुषों से कमतर हैं। उनके मन मस्तिष्क में यह बात युगों से चली आ रही आती एक परंपरा की भांति घर कर गई है कि वे पुरुषों के अधीन है और इस अधीनता को वे सहजता से स्वीकार करने लगी। तो इस प्रकार वर्तमान समय में भी जो आपने हम देखते हैं कि जो महिलाओं के मन में कभी कभी इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स रहती है, सभी महिलाओं के मन में नहीं रहती लेकिन फिर भी उन्हें लगता है कि वे पुरुषों के अधीन है। तो जो वर्तमान समय की जो समस्या है इसको उन्होंने जो प्राचीन समय का जो यह जो घटना है उससे उन्होंने वर्तमान समय से उसे लेकर जोड़ा है कि महिलाओं को कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि वह पुरुषों के अधीन है, लेकिन वह पुरुषों के अधीनता को बहुत ही सहजता से स्वीकार कर लेती है। वो कभी नहीं समझ पाती कि उनका एक इंडिविजुअल पर्सनालिटी है, उनका स्वतंत्र व्यक्तित्व है। तो इन सारी समस्याओं को उन्होंने उठाया है। तीसरे अंश में धर्म शास्त्रों के रूढ़िवाद का विरोध किया है जिसके द्वारा विवाह के नाम पर स्त्री को इस हद तक पुरुष के अधीन बना दिया जाता है कि उसे हर स्थिति में पुरुष की आज्ञा माननी पड़ती है। तो जैसे धर्म है, जैसे धार्मिक आधार पर जो विवाह है, जो विवाह की जो प्रथा है उसको धार्मिक आधार, हिंदू में क्या है उसे एक वो माना जाता है, धार्मिक संस्कार माना जाता है। और यह धार्मिक संस्कार यह है कि उस धार्मिक संस्कार ने महिलाओं को पुरुषों के अधीन बना दिया है कि उसे पुरुष की हर आज्ञा का पालन करना पड़ता है, कि उसको पुरुष की खुशी के लिए हर काम करना पड़ता है, क्योंकि यह जो विवाह का जो बंधन है वह एक धार्मिक मान्यता है, एक धार्मिक संस्कार है, वह इस संस्कार को तोड़ नहीं सकती, इससे बाहर नहीं जा सकती, इसलिए उसे पुरुषों की अधीनता स्वीकार करनी पड़ती है। तो इसके बाद हम देखते हैं पुरुष की हर आज्ञा माननी पड़ती है, इसका वह विरोध करती है। भले ही वह आज्ञा कितनी ही अन्याय और अनाचारपूर्ण, कितनी ही अकरुण और ममता रहित या कितनी ही निशंस क्यों ना हो, क्योंकि आपने देखा होगा कि वर्तमान समय में भी कई महिलाएं अपने पति के अत्याचार को बहुत ज्यादा सहती रहती हैं, क्योंकि उनके घर से यह कहकर भेजा जाता है कि बेटी यहां से तू जा रही है,
डोली में, और वहां से तेरी सिर्फ अर्थी ही निकलेगी तेरे ससुराल से, है ना। मतलब उनके मन में यह बात भर दी गई है कि बेटी तू यहां से जा रही है हमारे घर से, तो हमेशा के लिए जा रही है। अब तेरा जो होगा, जैसी भी स्थिति होगी, तुझे अपने ससुराल में अपने पति के हिसाब से, अपने ससुराल वालों के हिसाब से रहना है। तो यह सिर्फ बहुत धार्मिक जो यह संस्कार है उसके बंधनों में बंधी रहती है वर्तमान समय में भी। इस समस्या को उन्होंने उठाया है, चाहे उसका पति शराबी हो, चाहे जुआड़ी हो, चाहे कितना भी पतित व्यक्ति हो, लेकिन उसे पूरा जीवन भर उसके साथ रहना पड़ता है। चौथे अंश में पुरुष के प्रभुत्व के इस कुटिल जाल से मुक्ति का संकेत है। स्त्री के उस आत्मविश्वास का स्वर है जिसके बल पर वह समस्त रूढ़ियों को साहस पूर्वक तोड़ देती है। तो जो चौथा स्टेटमेंट है उसमें वो कहती है कि नहीं, हमको ये जो परतंत्रता की बेड़ियां हैं, हमको इसको तोड़ना होगा। हम पुरुषों के अधीन नहीं रह सकते। जैसे पुरुष स्वतंत्र हैं, वो किसी के अधीन नहीं है, उसी तरह हम भी स्वतंत्र हैं, हम भी किसी के अधीन नहीं है। तो यह उसका आत्मविश्वास है। इस बदलती हुई मानसिकता को पुष्ट और व्यापक रूप प्रदान करने के लिए मंदाकिनी जैसे पात्र की सृष्टि की गई है। इसे यहाँ एक मंदाकिनी नाम की भी एक पात्र है, जो भी क्रांतिकारी चेतना से युक्त है, और वह भी इन सब बंधनों को तोड़ देना चाहती है और पुरुषों के खिलाफ क्रांति या बगावत का प्रतीक बन जाती है। विवाह और धर्म के विधान के नाम पर स्त्रियों की स्वतंत्रता और अधिकारों के हनन पर प्रश्न चिन्ह लगाती हुई वह पूछती है कि यदि स्त्री किसी विपत्ति में हो तो इस धार्मिक विधान के अंतर्गत उसके लिए कोई सहारा है भी या नहीं। मतलब ठीक है, तुमने विवाह की बलिवेदी और विवाह के संस्कारों के आधार पर किसी स्त्री को किसी पुरुष के साथ बांध दिया है, लेकिन यदि उस विवाह के बाद, उस धार्मिक संस्कार के बाद, यदि उस महिला की जिंदगी में कुछ समस्या आती है, तो समस्या के निपटान के लिए, उस समस्या के निवारण करने के लिए इन धर्म ग्रंथों में कुछ व्यवस्था की गई है कि नहीं। तो वह जानना चाहती है कि वह कौन सी व्यवस्था है कि यदि विवाह नाम के संस्कार के बाद यदि कोई महिला अपने पति से प्रताड़ित होती है, यदि उसका पति जुआड़ी शराबी या कुछ अन्य व्यसनों में लिप्त है और वह उस विवाह से मुक्ति चाहती है, तो क्या धार्मिक ग्रंथों में इस प्रकार की कुछ व्यवस्था है कि नहीं। वह समाज से पूछती है और कहती है कि जिन स्त्रियों को धर्म बंधन में बांधकर, धर्म बंधन मतलब विवाह, क्योंकि तो हिंदू में विवाह जो होता है वह एक धार्मिक संस्कार होता है, उनकी सम्मति के बिना आप उनका सब अधिकार छीन लेते हैं, तब क्या धर्म के पास कोई प्रतिकार, कोई संरक्षण नहीं छोड़ते जिससे वे स्त्रियां आपत्ति में अवलंब मांग सकें? क्या भविष्य में सहयोग की कोरी कल्पना से ही उन्हें आप संतुष्ट रहने की आज्ञा देकर विश्राम ले लेते हैं? उनका कहना है कि आप किसी स्त्री को विवाह के बंधन में बांध देते हैं और कहते हैं कि यह धार्मिक संस्कार है, और वे उस महिला से पूछते भी नहीं है कि क्या तुम इस पुरुष से शादी करना चाहती हो कि नहीं, इस पुरुष के साथ विवाह करना चाहती हो कि नहीं, और उसके सारे अधिकार छीन लेते हो। उसके सारे अधिकार उसके पति या पति के अधीन हो जाते हैं और उसके पास अपने संरक्षण का कोई प्रबंध नहीं होता। मतलब यदि किसी कारण से वह विवाह चल नहीं पाता है और वह प्रताड़ित हो रही है, उस विवाह से बाहर आना चाहती है, या फिर विपत्ति में है, मुसीबत में है, तब वह संरक्षण लेने कहाँ जाएगी? क्योंकि उसके जो मायके का दरवाजा है तो हमेशा के लिए बंद ही हो गया है कि परमानेंटली वो अपने मायके में जा नहीं सकती। तो ऐसी परिस्थितियों में वह सहारा के लिए किसके पास जाएगी? क्या आपके धर्म ग्रंथों में कुछ व्यवस्था है? क्या भविष्य में सिर्फ यही बोले कि जो भी परिस्थिति आएगी तेरे तो ससुराल वाले ही उसका समाधान करेंगे? इस प्रकार बोलते हैं कि बेटी जहां भी जा रही हो अपने ससुराल में संतुष्ट रहना, सुखी रहना। लेकिन यदि ऐसा नहीं हो पाता है तो फिर उसके आश्रय के लिए, उसके शरण के लिए क्या आपके धर्म ग्रंथ में कुछ व्यवस्था है कि नहीं है? मंदाकिनी का यह कथन, मंदाकिनी नाम की जो पात्र है उसका ऊपर का स्टेटमेंट है, स्त्री की सामाजिक स्थिति के संबंध में कई मूलभूत प्रश्नों को उभारता है। जो मौलिक प्रश्न है, जो बेसिक क्वेश्चन है सोसाइटी के, उसको चैलेंज करती है। विवाह को एक धर्म बंधन मानना या विवाह के परिणाम स्वरूप स्त्री का अपनी स्वतंत्रता या अपना कोई अधिकार न रहना, स्त्री का अपने पति के अधीन होना, उसे अपनी इच्छा अनिच्छा, सहमति असहमति व्यक्त करने की कोई सुविधा प्राप्त न होना आदि, तो ये सारी जो बातें मौलिक जो प्रश्न है समाज के, वह मंदाकिनी अपने स्टेटमेंट में उठाती है। मंदाकिनी धर्मशास्त्र प्रणीत, प्रणीत मतलब होता है निर्मित। तो धर्मशास्त्र में जो निर्मित किए गए हैं नियम कानून, धर्मशास्त्र में जो व्यवस्था की गई है, जो नियम कानून बनाए हैं, उनके खिलाफ वह आवाज उठाती हुई मांग करती है कि विवाह के नाम पर यदि स्त्रियों को संरक्षण या सहयोग नहीं मिलता तो उस आपात स्थिति में धर्म उनकी सहायता या रक्षा की क्या व्यवस्था करता है? क्या धर्म केवल उनके अधिकारों को छीनने के लिए है या उन्हें कोई सुरक्षा प्रदान करने के लिए भी है? यदि वह उन्हें कोई सुरक्षा प्रदान करता है तो सुरक्षा की व्यवस्था कौन सी है? इन प्रश्नों के माध्यम से वह धर्म के नियामक
राज पुरोहित को प्रेरित करती है कि वह धर्म शास्त्रों के प्रगतिशील पक्ष की तलाश करे और ध्रुव स्वामिनी को उसका अधिकार प्रदान करे। स्त्री पुरुषों की समानता की मांग मंदाकिनी एक अन्य कथन में भी करती है। तो उस समय जो राज पुरोहित होते थे जिनकी सत्ता सबसे प्रमुख थी, जो बहुत ही महत्वपूर्ण होते थे राज पुरोहित, और उनका निर्णय ही सर्वमान्य होता था, वो न्यायाधीश की तरह कार्य करते थे और वो अपनी जो अपने निर्णय कैसे देते थे, धर्म ग्रंथों के आधार पर देते थे। तो जो राज पुरोहित वह प्रश्न करती है, क्या आपके धर्म ग्रंथों में इस तरह की कोई व्यवस्था है कि यदि महिला शादी के बाद प्रताड़ित होती है तो वह शरण लेकर कहाँ जाएगी, कौन उसका संरक्षण करेगा, और यदि ऐसा है तो आप ध्रुव स्वामिनी को उसका अधिकार प्रदान करें। स्त्री पुरुषों की समानता के विषय में यह पुनः कहती है, भगवान ने स्त्रियों को उत्पन्न करके ही अधिकारों से वंचित नहीं किया है, किंतु तुम लोगों की दस्यु वृत्ति ने ही उन्हें लूटा है। मतलब भगवान जब स्त्री को जन्म देता है तो जन्म से पराधीन नहीं होती, किसी के उसमें नहीं रहती, संरक्षण है उसमें, लेकिन तुम लोगों की जो दस्यु वृत्ति है, मतलब जो डाकू की तरह जो तुम जीवन जी रहे हो दस्युओं की तरह, तुमने उन्हें लूटा है, तुमने उन्हें अपने परतंत्रता की बेड़ियों में जकड़ दिया है। ध्रुव स्वामिनी नाटक में प्रसाद का उद्देश्य स्त्री के प्रति परंपरागत पिछड़ी हुई दृष्टि या मध्ययुगीन बोध का खंडन करके आधुनिक भावबोध की स्थापना करना है। तो ये ध्यान में रखिए, जो पुरानी जो सोच थी महिलाओं के प्रति उसको तोड़ना चाहते हैं, दूर करना चाहते हैं, आधुनिक भावबोध मतलब मॉडर्न टेंडेंसी की स्थापना करना चाहते हैं। इसलिए मंदाकिनी और ध्रुव स्वामिनी स्त्री की स्वतंत्रता और अधिकारों की रक्षा की उपयुक्त ढंग से मांग करती है और सामाजिक संबंधों के व्यवस्थापकों को विवश करती है कि वे स्त्रियों के अपेक्षित अधिकार उन्हें प्रदान करें। तो मंदाकिनी और ध्रुव स्वामिनी दोनों ही स्त्रियों की स्वतंत्रता के पक्षधर हैं और वे समाज के जो नीति नियामक हैं, जो कर्णधार हैं, जो राजपुरोहित हैं, उनसे वह मांग करती है कि स्त्रियों की स्वतंत्रता का जो अधिकार है, जो उनके अपेक्षित अधिकार है, वह उन्हें प्रदान किया जाए। वे परिस्थितियों से संघर्ष करती हैं और उन्हें अपने अनुकूल मोड़ती हैं। तो वे खाली वहां पर सिर्फ मांग बस नहीं करती, बल्कि वे परिस्थितियों को भी अपने अनुकूल करने में सफल होती हैं। नारी हृदय के कोमलतम पक्ष के प्रतिनिधि पात्र कोमा में यह संघर्ष दूसरे ढंग से व्यक्त हुआ है। कोमा नाम की एक काल्पनिक पात्र है इसमें, और यह परीक्षा में प्रायः पूछा जाता है कि ध्रुव स्वामिनी का काल्पनिक पात्र कौन है, तो कोमा है। कोमा का यह संघर्ष दूसरे ढंग से व्यक्त हुआ है। वह अपने अधिकार की रक्षा की अपेक्षा करती है, शकराज को सही मार्ग दिखाने का प्रयास करती है। कोमा जो है शकराज से प्यार करती है और वह उसको सही रास्ता दिखाने का प्रयास करती है। शकराज द्वारा उपेक्षित और अपमानित होकर जीने के बजाय वह उससे अलग मार्ग चुनना पसंद करती है। अपने आंसुओं से सींची हुई दुलार भरी वलड़ी को झटकती हुई कहती है, मतलब वह रोते हुए कहती है शकराज को, प्रेम का नाम ना लो, वह एक पीड़ा थी जो छूट गई, उसकी कसक भी धीरे धीरे दूर हो जाएगी। वो बोली, मैं तुमसे प्रेम करती थी, लेकिन इस टाइप के व्यक्ति से मैं प्रेम नहीं करती थी जैसे तुम आज हो गए हो, है ना, और तुम्हारे प्रेम की कसक या पीड़ा मेरे मन में बनी रहेगी, लेकिन धीरे धीरे वह पीड़ा भी दूर हो जाएगी। तो राजनीतिक प्रतिशोध के लिए ध्रुव स्वामिनी का सम्मान नष्ट करने का विरोध कोमा और मिहिरदेव दोनों करते हैं। मिहिरदेव जो है वह शकराज का धर्म गुरु है और कोमा क्या है, उसकी गोद ली हुई बेटी है। तो जब राजनीतिक प्रतिशोध के लिए वह ध्रुव स्वामिनी को अपने पास बुलाना चाहता है उसका सम्मान नष्ट करने के लिए, ध्रुव स्वामिनी वह बोलता है उसको रामगुप्त को कि तुम अपनी पत्नी को मेरे पास भेजो, है ना, ध्रुव स्वामिनी को, तो इसका विरोध कोमा और मिहिरदेव दोनों करते हैं। वह सिर्फ राजनीतिक प्रतिशोध के लिए ध्रुव स्वामिनी को अपने पास बुलाना चाहता है। तो दोनों ही इस टेंडेंसी का विरोध करते हैं, दोनों ही उस मध्ययुगीन दृष्टि का विरोध करते हैं जिसमें स्त्री को केवल भोग की वस्तु समझकर उससे चाहे जब जैसा व्यवहार किया जा सकता है। मतलब उस समय क्या है, स्त्री को केवल भोग का साधन समझा जाता था, भोग और विलास का साधन बस समझा जाता था स्त्री को। इसलिए राजनीतिक प्रतिशोध लेने के लिए जो शकराज है वो रामगुप्त को बोलता है कि तुम अपनी पत्नी को मेरे पास भेजो, ध्रुव स्वामिनी को मेरे पास भेजो। तो इसलिए यहां पर बोला गया है मिहिरसेन कहता है शकराज, शकराज अपने आचार्य को कहता है, आचार्य रामगुप्त का दर्प दलन करने के लिए मैंने ध्रुव स्वामिनी को उपहार में भेजने की उसे आज्ञा दी थी, आज रामगुप्त की रानी मेरे दुर्ग में आई है, कोमा को इसमें आपत्ति है। गुरु को बोलता है कि आचार्य मैं सिर्फ उसे बदला लेना चाहता था, इसलिए मैंने उसको बोला कि तुम अपनी पत्नी ध्रुव स्वामिनी को मेरे पास भेजो, लेकिन आपकी बेटी कोमा है इस पर विरोध कर रही है। तो उनके गुरु बोलते हैं मिहिरदेव गंभीरता से, ऐसे काम में आपत्ति तो होनी ही चाहिए, राजा स्त्री का सम्मान नष्ट करके तुम जो भयानक अपराध करोगे उसका फल क्या अच्छा होगा। बोला, एक स्त्री की इज्जत, स्त्री का सम्मान उसके लिए सर्वस्व होता है, उसका सतीत्व उसके लिए सब कुछ होता है, क्या तुम उसका सतीत्व का हरण करके करोगे तो उसका फल क्या अच्छा होगा। और भी
यह अपनी भावी पत्नी के प्रति तुम्हारा अत्याचार होगा। साथ ही तुम कोमा से विवाह करने वाले हो तो यह तुम्हारी भावी पत्नी के प्रति भी तुम्हारा अत्याचार होगा। बेसिकली ही वॉन्टेड टू मेक लव विथ हर। यहां स्त्रियों पर अत्याचार को लेखक ने कई बिंदुओं से उठाया है। तो स्त्रियों पर जो अत्याचार हो रहा था उसको यहां पर कई बिंदुओं से उठाया है लेखक ने। शत्रु के गर्व को चूर करने के लिए उसकी पत्नी को उपहार स्वरूप मांगते समय अपने और शत्रु के गर्व की ओर तो ध्यान दिया है, किंतु जिस स्त्री को उपहार स्वरूप मांगा गया है उस स्त्री के सम्मान की कोई परवाह नहीं की गई। वह तो जैसे भोग की वस्तु है जिसकी अपनी कोई प्रतिष्ठा ही नहीं। दूसरी ओर अपनी भावी पत्नी अर्थात कोमा की भावनाओं की भी कोई परवाह नहीं है। मतलब आप समझ सकते हैं कितनी गिरी हुई मानसिकता रही होगी कि सिर्फ अपने शत्रु से बदला लेने के लिए उसका जो घमंड है उसको चूर चूर करने के लिए उसकी पत्नी को अपने पास बुलाना। लेकिन उस ध्रुव स्वामिनी की अस्मिता और उसके जो उसके मन पर क्या बीतेगा उसका कोई प्रभाव वहां पर नहीं है, कि उसका सम्मान उसका सतीत्व उसकी अस्मिता पर क्या गुजरेगा इस बात की कोई चिंता उसे नहीं है। जैसे कि स्त्री केवल भोग की वस्तु है जिसकी अपनी कोई प्रतिष्ठा नहीं है, और इसके साथ ही उसकी खुद की भावी पत्नी अर्थात कोमा के साथ वह शादी करने वाला है उसकी भावनाओं की भी उसे कोई परवाह नहीं है। तो यह स्त्री के लिए कितने कठिन समय होगा कि उसका भावी पति किसी दूसरे महिला को अपने पास बुला रहा है, इसको खुद ही समझा जा सकता है। यह ख्याल ही नहीं कि ऐसा करने से कोमा का भी अपमान हो रहा है। कोमा से वह शादी करने वाला है और किसी दूसरी महिला को अपने पास बुला रहा है। स्त्री के सम्मान की कोई परवाह न करने की इस सामंती प्रवृत्ति को प्रसाद ने यहाँ रामगुप्त और शकराज दोनों के माध्यम से प्रस्तुत किया है, और पूरा नाट्य विधान स्त्री के प्रति इस अपमानपूर्ण व्यवहार के रूप में खड़ा किया गया। तो यह पूरा प्लॉट है यह बेसिकली इसी बात पर डिपेंड करता है कि रामगुप्त को अपमानित करने के लिए रामगुप्त से बदला लेने के लिए शकराज ध्रुव स्वामिनी को अपने पास बुलाना चाहता है। तो पूरा नाट्य विधान इसी के ऊपर बेस्ड है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है यहाँ पर। ध्रुव स्वामिनी नाटक का मुख्य उद्देश्य या प्रतिपाद्य स्त्री की स्वाधीनता और समता को, उसके सम्मान और अधिकारों की रक्षा की जरूरत को उजागर करना है। इसके लिए प्रसाद ने अपने समय और समाज में व्याप्त कुछ ज्वलंत प्रश्नों को नाटक का प्रमुख विषय बनाया है। क्या क्या प्रश्न है देखते हैं। पहला प्रश्न तो है कि स्त्री की ऐसे विवाह से मुक्ति जो उसकी इच्छा के बगैर हुआ हो और जिसके कारण उसका जीवन असह्य हो गया। मतलब यदि किसी स्त्री का विवाह बिना उसकी इच्छा के किसी ऐसे पुरुष से हो जाता है जो बहुत ही पतित है या फिर गिरा हुआ है, उसको मारता पीटता है, प्रताड़ित करता है, तब भी क्या उसे उस विवाह को चलाना चाहिए कि उसे डिवोर्स ले लेना चाहिए, तलाक ले लेना चाहिए। जो पति अपनी पत्नी को उसके सहज अधिकार प्रदान नहीं करता, उसके सम्मान और मर्यादा की रक्षा नहीं कर सकता, उसे उपहार में किसी अन्य व्यक्ति को दे देता है, उसका अपनी पत्नी पर कोई अधिकार नहीं। ऐसी हालत में स्त्री अपने नारकी जीवन से मुक्ति पा सकती है, उसका विवाह विच्छेद हो सकता है यानी उसे तलाक मिल सकता है। इसके साथ ही प्रसाद ने बहुपत्नी प्रथा का भी विरोध किया है। तो यदि ऐसी परिस्थितियां हो जाती है कि पति अपनी पत्नी के सम्मान की रक्षा नहीं करता, उसके अस्तित्व उसके सतीत्व की रक्षा नहीं करता, उसकी मर्यादा की रक्षा नहीं करता, किसी दूसरे पुरुष के पास भेज देता है, तो ऐसी परिस्थिति में उसे तलाक मिल जाना चाहिए। इसके साथ ही बहुपत्नी प्रथा का भी उन्होंने विरोध किया है। तो प्रसाद के जो स्त्री संबंधी विचार यदि आपके प्रश्न में आते हैं कि प्रसाद जी के स्त्री संबंधी विचार क्या हैं, तो आपको इन्हीं सब बातों का उल्लेख करना है। तो यह प्रतिपाद्य का जो मेरा पहला पॉइंट, इसलिए मैं लंबा इसको लिया हूं कि यदि यह प्रश्न आता है आपके परीक्षा में कि प्रसाद जी के स्त्री संबंधी विचार कौन से हैं, तो इस पहले पॉइंट को पूरी तरह से आपको लिखना है। तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। एक प्रश्न यह भी आता है कि ध्रुव स्वामिनी में प्रसाद के स्त्री संबंधी विचार क्या हैं, इनका स्पष्ट व्याख्या करिए और उनकी प्रासंगिकता भी बताइए कि अभी के समय में कैसे प्रासंगिक हैं। तो इसे आप समझ सकते हैं। इसके साथ ही प्रसाद जी ने बहुपत्नी प्रथा का भी विरोध किया है। उस समय एक राजा की कई कई पत्नियां हुआ करती थी, और इसको आप करंट से भी जोड़कर देख सकते हैं। रिसेंटली अभी दिल्ली में जो घटना हुई है कि एक लिविंग पार्टनर ने अपनी पार्टनर को जान से मार दिया है और छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर फेंक दिया है। तो ऐसी जो परिस्थितियां हैं इससे आप प्रासंगिकता को जोड़कर देख सकते हैं। इसके बाद शकराज द्वारा, तो यह इसीलिए मैंने जो पहला पॉइंट है इसको थोड़ा लंबा ले लिया है क्योंकि इसमें दो प्रश्न शामिल हैं, इसको आप ध्यान में रखिएगा, है ना। स्त्री संबंधी विचार ध्रुव स्वामिनी में प्रसाद जी के स्त्री संबंधी विचार। शकराज द्वारा ध्रुव स्वामिनी को उपहार स्वरूप प्राप्त करके अपने अंतःपुर में रखने का कोमा विरोध करती है। कोमा कहती है कि तुम ध्रुव स्वामिनी को उपहार के रूप में लेकर अपने अंतःपुर में मत रखो, और शकराज के प्रेम को झटक कर चली जाती है। शकराज यहां अंतःपुर में, यू कैन से दैट इज बेडरूम, अंतःपुर में रखने का कोमा विरोध करती है।
और शक राज के प्रेम को झटक कर चली जाती है। तो वह नाराज हो जाती है क्योंकि वह उससे प्रेम करती है, तो उसके छोड़कर चली जाती है। मिहिर देव भी शकराज से कहते हैं, मिहिर देव जो है उसके आचार्य हैं, शकराज के गुरु हैं और कोमा के पिता हैं। वो कहते हैं कि यह अपनी भावी पत्नी के प्रति तुम्हारा अत्याचार होगा। यह पूरा प्रसंग बहुविवाह की प्रथा के विरोध में खड़ा है ना। उस समय बहुविवाह प्रथा जो चलती थी कि एक राजा कई पत्नियों को रख सकता था, वो सोच रहा था कोमा भी मेरी पत्नी रहेगी, ध्रुव सामनी भी मेरी पत्नी रहेगी। तो वो बोलता है कि तुम कोमा तुमसे प्रेम करती है, तुम उसे विवाह करने वाले है, उसके बाद भी तुम उसको बुला रहे हो ध्रुव सामनी को, मतलब तुम अपनी भावी पत्नी के प्रति अत्याचार कर रहे हो। इसके अतिरिक्त यहाँ लेखक ने अपने समय के एक और सुधार आंदोलन को मुखरित किया है, भावनामय प्रेम की प्रतीक कोमा संपूर्ण निराशा निष्पीडन और उपहास को प्रतिदान के रूप में पाकर भी अंत में शकराज का शव लेने जाती है। तो यहाँ प्रेम के आदर्श रूप को भी दिखाया गया है। जब अंत में शकराज की हत्या हो जाती है उसके बावजूद भी, जबकि शकराज उसको बहुत ही उत्पीड़ित करता था, प्रताड़ित करता था, उसके बावजूद भी वह उसके शव को उसके लाश को लेने के लिए चले जाती है कि तुम उसका प्रॉपर अंतिम संस्कार हो या सोचकर वह अपने प्रेमी के लाश को लेने के लिए चली जाती है। ध्रुव सामने उसे शव ले जाने की अनुमति दे देती है, किंतु वह कोमा के इस दृष्टिकोण को सहजता से स्वीकार नहीं करती। भले ही वह बोल देती है कि तुम शकराज के शव को ले जाओ, लेकिन वह बोलती है कि कोमा को बोलती है तुम्हारे जैसी महिलाओं के कारण आज समाज में हमारी स्थिति इतनी खराब है। मंदाकिनी के कहने पर कि स्त्रियों के इस बलिदान का भी कोई मूल्य नहीं, ध्रुव स्वामिनी कहती है यह स्त्रियों की एक भूल है, भ्रम है, और इस भ्रम के मूल में है पराधीनता की भावना जो उनकी नस नस में समाये हुई है। मतलब जो व्यक्ति तुमको जीवन भर इतना प्रताड़ित किया, जो तुमसे जरा भी प्रेम नहीं किया, उसके शव को तुम लेने आए हो, तो तुम्हारी यही भूल है और इसी भूल के कारण तुम परेशानी में पड़ती हो। यह जो तुम्हारी पराधीनता की भावना है वो तुम्हारे नस नस में समाई हुई है। तो यह समकालीन समस्या भी है। आपने देखा होगा हमें हमारे समाज में किसी महिला की शादी हो गई है तो वह सोचती है कि जीवन भर मुझे इसके साथ गुजारा करना है, चाहे मुझे काट के भी क्यों ना फेंक दे घर में। तो इस तरह की जो मानसिकता पराधीनता की भावना आज भी बनी हुई है, तो यह सारी बातें आज भी प्रासंगिक है हमारे जीवन में। उसी के कारण वे जानबूझकर भूल करती हैं, इसी के कारण वे बार बार भूल करती हैं। और महिलाएं तो अपने प्रेमी के लिए पूरी तरह से समर्पित हो जाती हैं, लेकिन जो पुरुषों की जो प्रवृत्ति होती है वो भौरों की तरह होती है, एक फूल से दूसरे फूल में बार बार पंडराते रहते हैं। तो यह इसका वो कहना चाह रहे हैं। इस घटना से लेखक ने उस मध्ययुगीन मानसिकता का विरोध किया है जो सती प्रथा को गौरवपूर्ण ठहराती थी। अब मध्ययुगीन मानसिकता क्या थी? यदि किसी पत्नी का पति मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, मर जाता है, तो उस महिला को अपने पति के साथ सती होना है, क्योंकि पुनर्विवाह की व्यवस्था नहीं थी। तो विधवाओं की जो स्थिति बहुत ही खराब थी, क्योंकि दोबारा वह शादी नहीं कर सकती थी, भले ही जवानी में विधवा क्यों ना हो जाए, और उसे अपने पति के साथ सती होना पड़ता था। तो और सती प्रथा को गौरवपूर्ण ठहराया जाता था, इसका भी इन्होंने विरोध किया है। तो बहुत ही बेहतरीन है यह नाटक। तो आपको समकालीन समय की जो परिस्थितियां हैं, महिलाओं की जो स्थिति है, उससे जोड़कर इसको प्रसाद के विचारों की प्रासंगिकता को अपने उत्तर में लिखना होगा। इस तरह ये जो मैंने 4 पॉइंट लिखा है सबसे महत्वपूर्ण है। प्रसाद के स्थिति संबंधी विचार आपको लिखना है, यह सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ पर है आपका। इस तरह अपने समय के स्त्री सुधार आंदोलन के 4 पक्ष ध्रुव स्वामिनी में प्रतिपाद्य के रूप में आए। पहला, स्त्रियों को तलाक पाने का अधिकार, विवाह से मुक्ति का अधिकार, मतलब दूसरा पुनर्विवाह का अधिकार। ठीक है, डिवोर्स तो हो गया लेकिन फिर पुनर्विवाह भी होना चाहिए, दोबारा शादी भी होनी चाहिए, और बहुविवाह का विरोध, एक ही व्यक्ति कई पत्नी नहीं रख सकता कोई पुरुष, और सती प्रथा का विरोध। इन 4 बातों को उन्होंने प्रमुखता से उठाया है। तो पहला पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है, इसमें 2 प्रश्न है, मैं बता चुका हूं आपको। इसके बाद दूसरा है अयोग्य और भ्रष्ट शासक से मुक्ति, यह दूसरा प्रतिपाद्य है, दूसरा उद्देश्य है, इसको वो इस्टेब्लिश करना चाहते हैं। ध्रुव स्वामिनी नाटक इस तथ्य को रेखांकित करता है कि जब शासन की बागडोर किसी अयोग्य व्यक्ति के हाथ में चली जाती है तो जन सामान्य के हित असुरक्षित हो जाते हैं। मतलब जिस राष्ट्र का शासक योग्य नहीं होता, अयोग्य होता है, या फिर जो डरपोक होता है, कायर होता है, तो वह राष्ट्र बहुत जल्दी परतंत्रता की बेड़ियों में जकड़ जाता है और उस राष्ट्र के नागरिकों के हित सुरक्षित नहीं रह पाते। विदेशी आक्रमण का भय भी रहता है, आंतरिक अव्यवस्था तो रहती ही है, मतलब कोई लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन नहीं होता है, विदेशी आक्रमणों का संकट भी उभर आता है और पराधीनता का द्वार खुल जाता है। मतलब यदि शासक अयोग्य हो, विलासी हो, डरपोक हो, तो बहुत ही जल्द कोई दूसरा राष्ट्र उस पर आक्रमण करके उस पर अपना हक जमा लेता है और इस तरह वह राष्ट्र पराधीन हो जाता है। अयोग्य व्यक्ति अपनी सत्ता बनाए रखने के लिए किसी भी तरह के भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने में नहीं चूकता, वह तो रामगुप्त की भांति कहता है। तो जो व्यक्ति अयोग्य होगा वह भ्रष्टाचार को भी बढ़ावा देगा, जैसे रामगुप्त कहता है
जिसकी भुजाओं में बल न हो उसके मस्तिष्क में कुछ तो होना ही चाहिए, भले ही यह कुछ कितना ही अनितिपूर्ण क्यों ना हो। जैसे शकुनी देखते हैं महाभारत में, है ना, शकुनी में भुजाओं में बल नहीं था लेकिन उसके दिमाग में क्या था, बहुत कुछ था। तो वैसे ही है, चाहे वह कितना भी अनैतिक क्यों ना हो, मतलब यदि व्यक्ति के भुजाओं में बल ना हो तो उसके दिमाग में बल होना चाहिए, उस व्यक्ति को कुटिल होना चाहिए। वह कहता है रामदूत, निरंकुश अराजकता की इस स्थिति में नवजागरण की चेतना का स्वर प्रबल होता है और स्वाधीनता की रक्षा की मांग सर्वोपरि मूल्य के रूप में प्रस्तुत होती है। इसको उन्होंने नवजागरण के रूप में देखा है। 1933 में भारत परतंत्र था तो देश हमारी परतंत्रता की बेड़ियों में जकड़ा हुआ था और आजाद देश को आजाद करने के लिए कई आंदोलन चल रहे थे। तो ऐसी परिस्थितियों में जो चेतना का स्वर प्रबल था और स्वाधीनता की मांग भी उस समय सर्वाधिक मांग थी, और इसी सर्वोपरि मूल्य को उन्होंने इस नाटक के माध्यम से प्रस्तुत किया है। मुक्ति की इस चेतना को राष्ट्रव्यापी स्वाधीनता आंदोलन के स्वर के साथ संपृक्त किया गया है। तो केवल यह नारी मुक्ति की चेतना अथवा किसी अयोग्य शासक से मुक्ति की चेतना नहीं है, बल्कि यह उस समय जो स्वाधीनता आंदोलन चल रहा था उसी स्वाधीनता आंदोलन के साथ उन्होंने इसे जोड़ा है, उससे संबंधित किया है। राजा के कर्तव्यों और अधिकारों को परिभाषित करने के साथ साथ यथास्थितिवाद का खंडन करते हुए आमूल परिवर्तन की मांग की गई है। यथास्थितिवाद मतलब क्या होता है, जो किसी भी प्रकार के परिवर्तन का विरोध करते हैं कि ठीक है जो जैसा चल रहा है चले दीजिए, मुझे क्या करना है, मुझे क्या फर्क पड़ता है, इसका उन्होंने विरोध किया है। और वे राजा के कर्तव्यों और अधिकारों को परिभाषित करने का उन्होंने सफल प्रयास किया है। राजा के कर्तव्यों और अधिकारों के प्रश्न को उठाया है और इस प्रश्न को जनमत के परिप्रेक्ष्य में विवेचित विश्लेषित किया है। मतलब राजा के कर्तव्य क्या होंगे, राजा के अधिकार क्या होंगे, इन पर उन्होंने प्रश्न चिन्ह लगाया है और उनका विवेचन किया है, विश्लेषण किया है। मंदाकिनी समय समय पर यह मुक्तिकामी क्रांतिकारी स्वर लेकर उभरती है। तो मंदाकिनी जो है वह क्रांतिकारी चेतना का प्रतीक है। वह समय समय पर यह अपनी बातों के द्वारा इस बात को मुखर करती है। मूर्खों ने स्वार्थ के लिए साम्राज्य के गौरव का सर्वनाश करने का निश्चय कर लिया है। राजा का भय मंदा का गला नहीं घोंट सकता। बताओ बताए, तुम भले ही राजा हो लेकिन मैं तुमसे डरती नहीं हूं, तुम्हारा भय मेरी आवाज को दबा नहीं सकता। ये मंदाकिनी के कुछ स्टेटमेंट हैं जिसको आपको कोट कर सकते हैं परीक्षा में, मैंने पर्याप्त मात्रा में दे दिया है ताकि जो आपको अच्छा लगे उसको आप याद कर लें। राजा अपने राष्ट्र की रक्षा करने में असमर्थ है, तब भी उस राजा की रक्षा होनी चाहिए। अमात यह कैसी व्यवस्था है, तो मृत्यु दंड के लिए उत्सुक महादेवी आत्महत्या करने के लिए प्रस्तुत, फिर यह हिचक क्यों, एक बार अंतिम बल से परीक्षा कर देखो, बचोगे तो राष्ट्र और सम्मान भी बचेगा नहीं तो सर्वनाश। इस परिषद से मेरी प्रार्थना है कि आर्य समुद्र गुप्त का विधान तोड़कर जिन लोगों ने राज किलबिश किया हो उन्हें दंड मिलना चाहिए। यह सब मंदाकिनी की स्टेटमेंट है। अयोग्य शासक की व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह, राष्ट्र के सम्मान और स्वाभिमान के लिए प्राण अर्पित करने की मांग, मतलब देश के लिए जान देने की मांग, अक्षम और अपराधी शासक को दंडित करने की मांग, प्रसाद के समय के सर्वाधिक महत्वपूर्ण और ज्वलंत प्रश्न थे जो इस नाटक की मूल समस्याओं के रूप में उभर कर आए हैं। तो यह सारे नाटक की मूल समस्याएं हैं। तो नाटक की अयोग्य शासक का जो व्यवस्था है, जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है, उस पर प्रश्न चिन्ह लगाना, राष्ट्र के सम्मान के लिए, स्वाभिमान के लिए, स्वतंत्रता के लिए अपने प्राण अर्पित कर देना, और यदि कोई शासक अक्षम है, अपराधी है, तो उसको दंड देने की व्यवस्था भी होनी चाहिए, उस समय के बहुत ही ज्वलंत प्रश्न थे जिन पर जयशंकर प्रसाद ने विचार किया है और बड़ी सफलता के साथ इस नाटक में प्रस्तुत किया है। राष्ट्र की रक्षा और अयोग्य शासक को पदच्युत करने के, मतलब पद से हटाने के राज परिषद के अधिकार को ध्रुव स्वामी में प्रतिपादित किया गया है। मतलब यदि राष्ट्र का शासक अयोग्य है, वह राष्ट्र की रक्षा नहीं कर पाता, वह अयोग्य है, कुमारगी है, और वह यदि कमजोर है तो क्या है, राज परिषद के द्वारा उसको हटा दिया जाना चाहिए। साथ ही प्राण पर लगाकर राष्ट्र की सेवा में समर्पित होने की प्रेरणा दी गई है। मतलब अपने राष्ट्र की रक्षा के लिए प्रत्येक नागरिक को और प्रत्येक शासक को अपने जान की बाजी लगा देने के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए। मंदाकिनी और चंद्रगुप्त दोनों पात्र इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए ही हैं। अन्याय सहने वाले अहिंसावाद का विरोध करते हुए कर्म सौंदर्य की प्रतिष्ठा करने वाली यह जीवन दृष्टि राजनीतिक क्षेत्र में तिलक युग का प्रतिनिधित्व करती है। तिलक मतलब गांधी जी की धारणा थी अहिंसा की, लेकिन बाकी जो राजनेता थे, विशेष रूप से जो गंगाधर तिलक थे, ये बोलते थे कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। मतलब किसी भी प्रकार से हमको स्वराज्य हासिल होना चाहिए। मतलब हम अन्याय, कोई हमारे पर अन्याय कर रहा है फिर भी हम अहिंसक बने हुए हैं, इसके बजाय हमको उसका प्रतिकार करना चाहिए, उसका बदला लेना चाहिए। तो यह तिलक युग का प्रतिनिधित्व करती है। इस तरह यह मानवतावादी जीवन दर्शन की स्थापना करते हुए आमूल परिवर्तनवाद
अर्थात रेडिकलिज्म की मांग करती है, मानव मुक्ति का संदेश देती है। मानववादी जीवन दर्शन मतलब प्रत्येक मानव अपने में स्वतंत्र है, अपने हिसाब से जीवन यापन करने के लिए, एक राष्ट्र में सम्मानजनक जीवन जीने के लिए, और इसी प्रकार यह परिवर्तनवाद की मांग करती है, मतलब ऐसी परिस्थितियां जिसमें प्रत्येक व्यक्ति परतंत्रता से बोझिल है, आहत है, वह दूर होना चाहिए, यह मानव मुक्ति का संदेश देती है। तीसरा, यथार्थ परक जीवन दृष्टि। यथार्थ परक जीवन दृष्टि मतलब यथार्थ मतलब जो सत्य है, जो हमको दिखाई देता है, जो यथार्थ है ना, एक्चुअल। ध्रुव स्वामी नाटक प्रसाद की यथार्थ परक जीवन दृष्टि को प्रस्तुत करता है। यथार्थ जो है आदर्श से विपरीत होता है। यथार्थ मतलब जो चीजें जैसी हैं, जो जैसी हमको दिखाई दे रही हैं, वह यथार्थ है, तो उनकी यथार्थ परक जीवन दृष्टि को प्रस्तुत करता है। व्यक्ति और राष्ट्र की समस्याओं का समाधान बुद्धि परक चेतना से दिया गया है, मतलब व्यक्ति की क्या समस्याएं हैं, राष्ट्र की क्या समस्याएं हैं, इनका समाधान बुद्धि के माध्यम से, अपने दिमाग के माध्यम से, तर्क के माध्यम से करने का प्रयास किया गया है। भाववाद का खंडन करते हुए तर्क और यथार्थ की पुष्टि की गई है, मतलब भाववाद का खंडन किया गया, मतलब सिर्फ भावनाओं के आधार पर ही काम नहीं चलता, बल्कि तर्क और यथार्थ का भी हमारे जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। जैसे कोमा बहुत भावुक हो जाती है, लेकिन ध्रुव स्वामिनी क्या है, तर्क और यथार्थ से वह सिचुएशन का सामना करती है, तो कोमा क्या है, बहुत ही भावुक है, वो भाववादी है। ध्रुव स्वामिनी बुद्धिवादी स्त्री है, जो अपनी विकट समस्याओं से जूझती है और रास्ता निकालती है, उनसे पलायन नहीं करती। तो यह बुद्धि का प्रतीक है, ध्रुव स्वामिनी जो है बुद्धिवादी स्त्री है, अपने दिमाग लगाकर वह विकट समस्याओं से जूझती है और कोई रास्ता निकालती है, समाधान निकालती है, उनसे भागती नहीं है। स्त्री व्यक्तित्व के कोमल पक्ष की प्रतीक कोमा भी अपनी पूरी संवेदनात्मक हलचल के बावजूद शक राज के गलत कामों से समझौता नहीं करती। स्त्री के कोमल व्यक्तित्व का प्रतीक है यहाँ पर कोमा, जो बहुत ही भावुक है, वह शक राज से प्रेम करती है, लेकिन उसके बावजूद भी उसके गलत बातों का, गलत कामों का समर्थन नहीं करती। वह कहती है, राजा मैं तुम्हें प्यार नहीं करती, मैं तो दर्प से अधिकतर तुम्हारी महत्वमय मूर्ति की पुजारिन थी, जिसमें पृथ्वी पर अपने पैरों से खड़े रहने की दृढ़ता थी, इस स्वार्थ मलिन कलुष भरी मूर्ति से मेरा परिचय नहीं है। वो बोलती है, मैं तो तुम्हारे उस व्यक्तित्व से प्रेम करती थी, जो बहुत ही अच्छा व्यक्तित्व था तुम्हारा, पहले तुम इस तरह की घटनाओं में इन्वॉल्व नहीं थे, लेकिन अब मैं देख रही हूँ कि तुम अपने जगह से बहुत गिर चुके हो, नीचे गिर चुके हो, तो इस तरह के व्यक्ति से मैं प्यार नहीं करती। मतलब मैं तुमसे पहले जरूर प्यार करती थी, लेकिन तब तुम्हारा व्यक्तित्व अलग था, तुम्हारा व्यक्तित्व उदात्त था, श्रेष्ठ था, लेकिन अब तुम बहुत ही पतित हो चुके हो, अब मैं तुमसे कोई प्यार नहीं करती। अब निष्कर्ष में हम देखते हैं क्या है। इस प्रकार ध्रुव स्वामिनी नाटक में हर तरह के रूढ़िवाद, रूढ़िवाद मतलब आपने देख चुका, आपने देखा कि सती प्रथा, बहुपत्नी प्रथा, या फिर विवाह को धार्मिक धार्मिक संस्कार मानना, और महिला को पराधीन समझना, और रीतिवाद का खंडन करते हुए, रीतिवाद मतलब वही महिला को भोग की वस्तु समझना, और किसी भी कभी भी अपनी पत्नी को किसी के पास भेज देना, स्त्रियों की खरीद फरोख्त करना, दासी बनाकर रखना। रीतिवाद का यहाँ पर कहने का तात्पर्य मुख्य है कि महिलाओं को भोग का साधन समझना, स्त्रियों को सिर्फ भोग का साधन समझना, और किसी राजा के घमंड को तोड़ने के लिए उसके पत्नी को अपने पास बुला लेना। इस टाइप की जो बातें थे, इनका खंडन करते हुए मानवतावादी मूल्यों की स्थापना की गई है। मानवतावादी मूल्य मतलब प्रत्येक व्यक्ति, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, उसकी स्वतंत्रता, उसकी निजता, उसकी सम्मान, उसके अस्तित्व, उसकी अस्मिता को बनाए रखना और राष्ट्र में बराबर महत्व प्रदान करना, इसकी स्थापना की गई है। सामंती भोगवाद, सामंती भोगवाद मतलब वही भोग विलास में इन्वॉल्व रहना, भोग विलास में लिप्त रहना, और महिलाओं को भोग का साधन समझना। और व्यक्तिवाद, व्यक्तिवाद का विरोध करते हैं, व्यक्तिवाद मतलब अहमवाद, जैसे राजा सोचता कि मेरे ऊपर ही सब कुछ केंद्रित है, मैं इस राष्ट्र का सर्वे सर्वा हूं, मुझे कोई हटा नहीं सकता। व्यक्तिवाद, इंडिविजुअल ईगो का विरोध करते हुए लोक जागरण की परंपरा में स्वच्छंदतावादी तत्वों की महत्व प्रतिष्ठा करना, परंपरा के मूल्यवान अंतःसूत्रों की खोज करना है। तो इसका मुख्य उद्देश्य है लोक जागरण की परंपरा, मतलब लोग जागृत हों अपने अधिकारों के लिए, अपने सम्मान के लिए, और स्वच्छंदतावादी तत्व होते हैं स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा, इन मूल्यों की स्थापना करना, और इन मूल्यों की स्थापना करने के लिए अपने इतिहास का, अपने अतीत का सहारा लेना, इन सूत्रों की खोज करना है। आधुनिक युग के प्रश्नों का समाधान परंपरा के प्रगतिशील ग्राह्य पक्षों द्वारा कराया गया है, इस तरह जातीय अस्मिता की पहचान कराने का प्रयास किया गया है। तो इस नाटक के माध्यम से उन्होंने जिन ज्वलंत प्रश्नों को उठाया है, वे प्रश्न केवल ऐतिहासिक नहीं है, बल्कि हमारे वर्तमान जीवन में, आधुनिक समाज में भी स्त्रियों की दशा कुछ इसी तरह है। आज भी कुछ स्त्रियां प्रताड़ित हो रही हैं अपने पतियों के द्वारा, या फिर अपने दूसरे जो भी लिविंग पार्टनर है, कोई
लिविंग में जो रह रहे हैं वो लड़कियां, तो इन सभी प्रश्नों को उन्होंने यहां पर उठाया है और इसका समाधान प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। तो अगर यह प्रश्न आता तो इसमें दो प्रश्न है, एक तो ध्रुव स्वामिनी में व्यक्त जयशंकर प्रसाद के नारी संबंधी विचार कौन से हैं, तो इसमें जो पहला पॉइंट है, या फिर थोड़ा थोड़ा सभी पॉइंट्स को यहाँ पर लेकर आप वहां पर उसको लिख सकते हैं। तो इस प्रकार मैंने दो प्रश्नों के ऊपर चर्चा किया है, और यदि आज का मेरा एपिसोड आपको अच्छा लगा होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखकर जरूर बताएं। साथ ही इसका PDF मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, उसको आप डाउनलोड कर लें और इसको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, मित्रों के साथ भी, ताकि वे भी इसका लाभ उठा सकते हैं। यहां तक आपने देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं।